हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का D3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, दो दिन में कितना था, जेपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 10 सितंबर को ओपन हुआ था और 12 सितंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 1100 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसमें से 850 करोड़ का फ्रेश इशू, 1.77 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 52 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 13 सितंबर का, लिस्टिंग डेट है 17 सितंबर का, BSE NSE दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 456 to 480 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बन, 31 शेयर्स की लॉट साइज। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और BOB कैपिटल मार्केट्स इसके लीड मैनेजर और बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 100% का, पोस्ट इशू 83.11% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 330 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में QIB से 0.1 टाइम का, बहुत ही लो, ओनली 10% का ही ओनली सब्सक्राइब किया गया। HNI से 16.09 टाइम्स का, बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। रिटेल से 7.28 टाइम्स का ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला रिटेल से, टोटल 7.11 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। GMP की बात करेंगे तो कंपनी का जो GMP है 268 रुपीज़ का GMP ट्रेंड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 55.8% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2013 में इस्टैब्लिश किया गया था। प्रीशियस मेटल या मेटल ज्वेलरी का, प्रीशियस मेटल या ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड ज्वेलरी, PNG ब्रांड के अंदर अलग अलग तरह के वेरियस प्राइस रेंज और डिज़ाइंस में जैसे ऑफर करता है। 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 8 सब ब्रांड्स है जो कि गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शंस का ऑफर कर रहा है अलग अलग ओकेजन्स पर, नेमली सप्तम, स्वराज, रिंग्स ऑफ लव, गोल्डन कथा ऑफ क्राफ्टमैनशिप और फ्लिप, लाइफस्टाइल, प्रथा, योद्धा, और 2 सब ब्रांड है जो कि डायमंड ज्वेलरी कलेक्शंस का ऑफर कर रहा है, नेमली एलिना और PNG सॉलिटेयर का। 2 सब ब्रांड्स है जो कि प्लैटिनम ज्वेलरी कलेक्शंस का ऑफर कर रहा है, नेमली है मेन ऑफ प्लैटिनम और एवरग्रीन लव का। और इसके अलावा कंपनी जो है कस्टमर्स को, मतलब कि जो है कस्टमर्स को एक ऑप्शन भी देता है, ज्वेलरी मेड जो बनाया जाता है उसके मेज़र करने के लिए जैसे एक ऑप्शन भी कंपनी जैसे कस्टमर्स को ऑफर करती है, और मतलब कि मेज़र करने के लिए ऑफर करता है। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग कंपनी के पास अराउंड 33 स्टोर्स ग्रो कर चुका है, जिसमें 32 स्टोर्स 18 महाराष्ट्र और गोवा के 18 सिटीज़ में इंक्लूड है, और एक स्टोर US में भी है, जिसका टोटल रिटेल स्पेस है अप्रॉक्सीमेटली 95,885 स्क्वायर फीट में। सभी स्टोर्स जैसे ओन और ऑपरेट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, जिसमें से 23 कंपनी के द्वारा ओन किया गया, मतलब कि कोको मॉडल पर, और 10 जो है फोको मॉडल पर है, मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेट किया जा रहा है। और इन सभी स्टोर्स के थ्रू स्टोर्स का अगर देखिए तो 19 स्टोर्स लार्ज फॉर्मेट में है, 11 स्टोर्स मीडियम फॉर्मेट में, और 3 स्मॉल फॉर्मेट में स्टोर्स है। September 30, 2023 के अकॉर्डिंग 1152 एम्प्लॉयज टोटल कंपनी में काम कर रहे थे। फिनांशियल की बात करेंगे तो 22 में 2586.3 करोड़ का रेवेन्यू, 69.5 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 4559.3 करोड़ का रेवेन्यू, 93.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 6119 करोड़ का रेवेन्यू और 154.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनांशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है हेवली क्लोजली टाइड है उन सेक्टर्स पर जो मतलब कि इस सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइड है, जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रहा है, जिसके कारण इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण भी इम्पैक्ट कर सकता है। ग्लोबल प्रेजेंस इसका एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि US में इसका एक स्टोर है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी जो है इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ रिस्क एसोसिएटेड भी एक्सपोज हो सकता है। कंपनी रिलायंस बहुत ज़्यादा 2 प्राइमरी मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पर, जो कि महाराष्ट्र में है, जिसके कारण ऑपरेशनल रिस्क इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्रेसिशन इंजीनियरिंग और कंपोनेंट्स मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी हाईली कॉम्पिटेटिव है, जो कि न्यूमरस प्लेयर्स और सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। ऑनगोइंग इस्टेब्लिशमेंट जो है नए मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी का तमिलनाडु में, इसमें सिग्निफिकेंट कैपेक्स वगैरह चाहिए होगा और ऑपरेशनल चैलेंज भी फेस कर सकता है, तो इसमें भी एक थोड़ा सा रिस्क हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो महाराष्ट्र में 12 नए स्टोर्स का सेटअप करना चाह रही है, इसके लिए एक्सपेंस कैपेक्स करना चाह रही है, इसके लिए फंडिंग चाहती है, और लोन इसका रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाएगी। मतलब कि कंपनी एक्सपेंशन प्लान लेकर आई, अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंस करने जा रही है, आईपीओ के थ्रू जो है आईपीओ फंड के थ्रू 12 नए स्टोर्स को ऐड करने जा रही है, और इसलिए 21 एडवांटेज मिल रहा है। और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी प्लेयर है महाराष्ट्र से, और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा, अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं, इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।